आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से एक आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आए हैं, जो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरी सफाई कर दी है, पर गुब्बारे वगैरह नहीं हटाए, बलून्स वगैरह जो फूटे थे, जो मतलब जो फोड़े थे वो फूट गए अपने आप भी। कुछ गुब्बारे फूट गए थे बलून्स, और बाकी देखो कितने सारे बलून्स इधर फड़े हुए हैं, पूरे बलून्स रखे हुए हैं। तो मैं इनको हटाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसा डेकोरेशन। तो देखते हैं किस दिन तक रहते हैं, कितने दिन तक रहते हैं। वैसे पीजी को बर्थडे का 3 महीने तक गुब्बारे नहीं फूटे थे, और 3 महीने तक रहे था पूरा डेकोरेशन। तो चलो देखते हैं ये कितने दिन तक रहता है। अच्छा तो चलो ठीक है, अब बनाते हैं। मुझे बनानी है राबड़ी दादाजी के लिए, तो चलो राबड़ी बनाते हैं, किचन में चलते हैं। और शाम का टाइम है, टाइम हो रहा है 8, और मैं बनाने वाली हूँ दादाजी को सुबह खाने के लिए राबड़ी, जो आप सभी जानते होंगे कि राबड़ी कैसी होती है, जैसे कि दलिया बनाते हैं। तो और दलिया बनाऊंगी मैं दादाजी के लिए, और सुबह अच्छा लगता है, आपको पता है सर्दियों के टाइम में सुबह सुबह दही के साथ खाना, दूध के साथ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो मैं बनाती हूँ राबड़ी, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि बाल गीले हैं, नाइट का टाइम है, 8 बजे रहे, तो क्या है ना कि मैं 8 बजे आज मैं इतनी लेट नहीं हूँ, तो मैं नहीं थी लेट। तो नहाने के बाद ही मैं मतलब खाना ना बना लिया था, उसके बाद मैं नहीं थी, पर मुझे अभी दलिया बनाना है, मतलब राबड़ी बनानी है। तो चलो बनाते हैं राबड़ी, तो दिखाती हूँ पीछे के कैमरे से, ठीक है। तो मैं दूध गर्म कर लेती हूँ पहले। बना रही हूँ राबड़ी, इसमें मतलब कि दलिया जो छाछ डाल के बनाते हैं, तो मैंने इसमें छाछ डाल दिया, छाछ में मैंने पानी डाल दिया है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ, और फिर इसमें मैं डालूँगी दलिया, ठीक है। चलो तो मैं दलिया निकालती हूँ। मुझे दलिया मम्मी ने दिया था, मतलब मम्मी के पास था दलिया, तो मुझे इस पॉलीथीन में बंद करके दिया था, बांध के दिया था। तो मैं इसे स्टिपन के अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें दलिया डाल दिया है, तो चलो मैं इसे इसमें रख दिया मैंने दलिया पैक करके टिफिन में। मैं बना रही हूँ दलिया, तो आप देख सकते हो मेरे फोन सामने रख दिया है ताकि कि मैम से किसी बात कर सकूँ। तो आपको कल का ब्लॉग, सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट जरूर बताना, कि हमारी पार्टी कैसी लगी, हमारी सजावट कैसी लगी। और वीर जी भी आपके साथ आए गए थे, यस। और बस फैमिली मेम्बर होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, किसी और को बुला लेते। तो हम काफ़ी सारे थे, पर कुछ सिस्टर्स थी मेरी 3-4, तो और जैसे कि फ्रेंड भी थी, तो उनका अलाउ नहीं है आना वीडियो में, तो वो साइड में हो गई थी, वो वीडियो में नहीं आई थी, तो इसलिए ठीक है। नहीं तो काफ़ी लोग आए थे, गाँव से नहीं आए थे, क्योंकि गाँव से जीजी और काका जी थे, और तो वो थोड़ा बिजी थे, तो वो बिजी थे क्योंकि वो गांव में थोड़ा, आपको पता है कि इस टाइम पानी वगैरह जाता रहता है खेतों में, और हमारे मोटर चलाने का बहुत काम होता है, मतलब लोगों को पानी जाता है ना, तो मोटर वोटर चलाना पड़ता है टाइम से, तो वो नहीं आ पाए थे। कोई नहीं, पर फिर उन सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, आप सभी के साथ ही, यूट्यूब आल फैमिली के साथ सभी को इन्वाइट करेंगे, सब आ जाना सबके पे। अगर इसे ऐसे घुमाएंगे नहीं तो इसमें जो छाड़ डाली है वो फट जाएगी, ये बनेगी नहीं अच्छी। तो मैं को इसको हाथ से ऐसे ऐसे, जब तक ये बनेगी नहीं तब तक मुझे इसको हाथ से ऐसे ही करना है ऐसे। अरे तो मैंने घर पे साड़ी पहनी है, मतलब घर की डेडी यूज थी, तो बताना जरूर, पहली बार मैंने साड़ी में डेडी यूज की साड़ी में ब्लॉग बनाया है, तो जरूर बताना कमेंट्स में कि कैसी लगी है, ठीक है। साड़ी तो सिंपल है, मैं कैसी लगी। फ्रेंड्स देखो राबड़ी बन चुकी है, तो बन गई है, आप बताओ।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और मनु अभी तक सो रहा है और दादाजी जग चुके हैं। मैं दादाजी के लिए बनाने जा रहा हूँ चाय, और क्योंकि दादाजी चाय पीते हैं और कोई चाय पीता नहीं है घर में, केवल दादाजी के लिए ही चाय बनानी है। ठीक है गाइस, और रात को मैं लेट सोया था 12 बजे और 3 बजे जग चुका था, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, पेड़ों में पानी दूंगा। पेड़ों में पानी देने के बाद में आगे का ब्लॉग मन्नू बनाएगा, ठीक है। और अगर दिन में कहीं पर जाएंगे तो आपको उसका ब्लॉग मिल जाएगा, बाकी चांस तो नहीं है क्योंकि काम करना है इस वजह से। ठीक है गाइस, तो बाय, चलते हैं फिर चाय बनाते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस अब हम चलते हैं चाय बनाने। ये किचन है हमारा, तो गाइस हमारी चाय बन रही है, और बनने के बाद में हम उसको कप में डाल के दादाजी को बाहर देने जाएंगे। केवल घर में दादाजी ही चाय पीते हैं, उसके अलावा कोई चाय नहीं पीता, क्योंकि उनको ही चाय पसंद है, हम चाय पीते नहीं हैं। ठीक है, थैली कब को पी लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि पीते ही नहीं है, पीते हैं लेकिन कब, मतलब महीने में एक दो बार, और या कहीं रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पर पी लेते हैं, नहीं तो ऐसे पीते नहीं हैं। मैं शुरू से ही नहीं पीता कभी चाय, मैं केवल क्या करता हूँ, शाम को बादाम भिजो देता हूँ और दूध के साथ पी लेता हूँ सुबह, और दादाजी को भी दे देते हैं और हम पी लेते हैं। ठीक है गाइस, वैसे चाय पीनी भी नहीं चाहिए क्योंकि चाय नुकसान करती है। बाकी जो ज़्यादा एज वाले हैं, गांव वगैरह में काम करते हैं, तो उनको तो चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि नींद नहीं आती। रात को अगर मैं काम करता हूँ उस टाइम में कॉफ़ी पी लेता हूँ, चाय नहीं पीता। तो गाइस अब हमारी चाय बन चुकी है, इसको डालेंगे कप में उसके बाद में। तो गाइस दादाजी का नाश्ता रेडी है, देख सकते हो आप। इसमें चाय डाल दी है मैंने, कुछ नमकीन डाली है, बिस्किट वगैरह डाले हैं, और अब दादाजी को देने चलते हैं बाहर। दादाजी बैठे हैं कुर्सी पे। ये गाइस प्यारे प्यारे पेड़ हैं, देख सकते हो आप कहाँ पर छट चुका है। छोटा सा लगाया था मैंने, बहुत बड़ा हो गया है। ये अंदर लगाए हुए हैं हॉल में, बाकी बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, कुछ बाहर रखे हुए हैं। तो मैं अपने रूम में आ चुका हूँ और दादाजी को चाय बनाती है, पेड़ों में पानी देती है, सुबह का यही रूटीन रहता है। ठीक है, और उसके बाद में यानी कि मनु तो 7 बजे तक जगती है, तो उसके बाद जगेगी, झाड़ू वाड़ू करेगी, घर का काम करेगी, खाना वाना बनाएगी, और